हाँ जी नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा परसेंटेज का सॉरी लॉस एंड प्रॉफिट का लास्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने तीन चार वीडियो डाल दिए हैं परसेंटेज के, दो या तीन शायद। वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हो सकता है आपको थोड़ी सी आज साउंड प्रॉब्लम हो, ठीक है। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। तो देखिए, पहले भी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे और आज भी मैं करा रहा हूँ। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मैंने माना कि वस्तु 100 रुपये की है और वो 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 110 रुपये की। आगे बोल रहे कि यदि वे इसे 10% कम में खरीदता, मतलब ये मेरा CP होता है, ये मेरा SP होता है, वो 10 रुपये कम में खरीदता है, यानी 90 रुपये की खरीदता, तो और 3 रुपये अधिक बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ हो रहा है वो 25 रुपये का, सॉरी 25% का। इसका 25% निकालो, 22.5 आएगा, 22.5 को इसमें ऐड करो तो 112 पॉइंट कितना जाएगा, 5। कितने की वृद्धि हो रही है, 2.5 की। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला है कि 3 रुपये अधिक बचाता, 3 रुपये बचाता तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5। कितनी आ जाएगी, 6/5। और ये हमारा CP था क्योंकि हमने इसे माना था, 6/5 से इसे मल्टीप्लाई करो, ये कितना जाएगा आपका, 20 × 120, यानी कि 120 रुपये की आपकी ये वस्तु हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन आपका जो भी है आप उसे हिसाब से देख सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है बिल्कुल। एक व्यक्ति 20% लाभ पर बेचता है। मैंने कहा कि 100 रुपये की वस्तु है और 120 रुपये में वो क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। हाँ जी, तो आगे बोला है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी कि 80 रुपये में खरीदता और 25% लाभ कमाता, तो 75 रुपये कम में बेचता तो 25% का लाभ कमाता। देखिए 25% इस पर कमाएगा, इसका 25% कितना पूरा, 20 इसको ऐड करोगे 100, कितने की वृद्धि, कितने की कमा रहा है, 20 रुपये, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 75 रुपये में कम, यहाँ पर 20 रुपये कम है लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने कम है, 75। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 1 की वैल्यू 75/20, 5 से इसे काटिए, 15×5 = 75, ये 15/4 आ जाएगा, 15/4 को इससे मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा आपका 375, 375 कितना जाएगा, 375। तो समझ में आपको आ गया होगा क्वेश्चन। सेकंड स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करना नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए भाई, समझ में तो आ रहा है ना सभी को, कोई यदि प्रॉब्लम आ रही तो यार आप बोल दिया करो, ठीक है। एक व्यक्ति वस्तु को क्रय मूल्य पर देता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही देता है, तो वस्तु का लाभ क्या होगा। देखिए बड़ा सिंपल है ऐसा क्वेश्चन, मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। मैंने माना कि उस वस्तु की क्वांटिटी कितनी, 1000। वो कह रहा है कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम तोलता है, कितने ग्राम तोलता है, 960 किलोग्राम, और उसको क्रय मूल्य पर ही देता है, यानी कि 1000 रुपये के, तो 1000 रुपये की ही देता है। कितने का उसको, कितने रुपए कमा रहा है, 40 रुपये, कितने पर कमा रहा है, 960 रुपये पर, डिवाइडेड में कर दो 100, 0 से 0 कैंसिल और ये आप इसे काट सकते हैं 24, यानी कि कितना जाएगा ये आपका 100/24, और 4 से आप इसे काटिए 25/, कितना जाएगा ये 6, ठीक है, 25/6 जो भी आपका आंसर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आपसे बोला है कि चावल को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। अब देखो मैंने माना कि उसकी क्वांटिटी कितनी, 1000। अब वो क्या कह रहा है कि 900 ग्राम तो वो देता है, 1 किलो के जगह 900 ग्राम वो तोलता है और 20% का वो लाभ कमाता है, यानी 100 की चीज को 120 में 1200 रुपये में बेचेगा। कितने का वो प्रॉफिट कमा रहा है, 300 रुपये का, कितने पर कमा रहा है, 900 रुपये पर, इंटू में कर देंगे अपन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये 3 से 3 बार, ये कितना जाएगा, 33.3%, ठीक है। तो 33.3% जो भी आपका ऑप्शन हो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है, एक दुकानदार अंकित मूल्य से 30% की छूट देता है। देखिए मैंने कहा आपसे कि ये सीपी है और ये मेरा क्या है एमआरपी। उसने कहा कि 30% की छूट देता है। देखिए सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज, और उसके बाद यदि हम एमआरपी की बात करें तो 100 प्लस जो भी आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, सॉरी जो भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है उसका प्रतिशत, ये उनका रेशो होता है। उसने क्या कहा है कि 30% की छूट देता है, इसका मतलब 30% की छूट देता है तो वो चीज 70 की हुई, और वो कह रहा है कि 20% का लाभ कमाता है। प्रॉफिट कितने का कमाता है, 20 रुपए का। तो उसने क्या बोला है हमसे, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, देखो कितना अधिक है, ये आपका 50 अधिक है, कितने पर, 70 पर, इंटू में 100, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना जाएगा 500/7। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा जो भी आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आज का, 20 रुपए अधिक, अच्छा देखिए ये मेरी सीपी है और ये मेरी क्या है एमआरपी, ठीक है। उसने क्या कहा है कि 20% अधिक अधिक क्या करता है, मूल्य करता है 20% कि वो आपको क्या दे देगा, छूट दे देगा, तो ये कितना जाएगा आपका 80, और सॉरी 20 रुपए कम कर देगा और 15 की छूट दे देगा। एमआरपी पर जब 15 की छूट देगा, 100 में से 15 जाएंगे, कितना जाएगा 85। वो हमसे पूछ रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 80 पर हो रहा है। और इसे आप कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है हमसे, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 में आपको पहले करा चुका हूं इस तरह के, लेकिन पहले ये सेकंड थे और अभी ये आपके किस टाइप के हो जाएंगे, 3 टाइप के। देखिए एक व्यक्ति 1 रुपए के 11 संतरे खरीदता है, उसके बाद वो 1 रुपए के 9 संतरे उसी दर से 1 रुपए के 9 संतरे खरीदता है, फाइनली वो 1 रुपए के 10 संतरे बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा, 1 रुपए के 10 संतरे बेच देता है। याद करिए जब मैंने पहला वीडियो डाला था लॉस एंड प्रॉफिट का, तो उसमें कराया था, लेकिन उसमें मैंने वो चीज कराई थी आपको कि वो एक इतने रुपए में खरीदता है इतने में बेचता है, लेकिन यहां पर 2 प्रोडक्ट वो खरीद रहा है और तब बेच रहा है। इनका मुझे ले लेना है एलसीएम, कितना जाएगा एलसीएम 990, ठीक है। इसके लिए देखो फर्स्ट के लिए मैं बात करूं तो कितना जाएगा ये 90, सेकेंड के लिए मैं बात करूं तो कितना जाएगा 110, और इसके लिए यदि मैं बात करूं तो कितना जाएगा मेरा 99, कितना जाएगा 99। देखो भाई ये खरीद रहा है, ये खरीद रहा है और इसको बेच रहा है, इसका मतलब वी कैन से दैट इट इज क्या है सीपी, और ये क्या है मेरी एसपी। सीपी कितनी है, देखो यहां से सीपी आ रही है 200 रुपए, और एसपी कितनी आएगी बोलो, 99 × 2 = 198। बोलो ये 2 कहां से आ गया, तो देखो भाई 2 प्रोडक्ट बेच रहा है वो, तो ये हमारे पास 1 प्रोडक्ट का रेशो है, 2 प्रोडक्ट का रेशो आ जाएगा 198, कितना जाएगा 198। यहां से देखो 200 रुपए की चीज को 198 में बेच रहा है, मतलब 2 रुपए की हानि हो रही है, कितने पर हो रही है 200 रुपए पर, इंटू में 100 से आप निकाल देंगे ये 2 जीरो से, 2 जीरो यहां पर कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब 1% की क्या हो जाएगी उसको हानि हो जाएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल यही है, एज इट इज क्वेश्चन है। देखिए 1 रुपए के 4 की दर से कुछ खरीदता है, सॉरी पहले 1 रुपए के 5 की दर से कुछ खरीदता है, और उसी प्रकार से 1 रुपए के 4 की दर से खरीदता है, और 2 रुपए के 9 की दर से वो बेच देता है, कितने रुपए की दर से, 2 रुपए के 9 की दर से वो बेच देता है। तो इनका मुझे लेना है एलसीएम, कितना जाएगा एलसीएम, देखिए एलसीएम आप इनका ले लीजिए, कितना आप ले सकते हैं एलसीएम आप ले लीजिए इनका 180, ठीक है 180 के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, इसका कितना जाएगा 36 × 180, और इसका आ जाएगा 45, कितना जाएगा 45, और इसका कितना जाएगा 20, ठीक है। तो यहां पर देखो उसकी यदि हम इस क्वांटिटी की टोटल बात करें 2/9, 20 × 40 आएगा, सॉरी
देखो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये मेरा हो गया सीपी, यानी इतने रुपए में वो खरीद रहा है। कितना प्रोडक्ट खरीद रहा है? 41 रुपए में। देखिए 6 और 5 11, 3 और 4 7 और 1 8, 81 रुपए में वो खरीद रहा है। बेचेगा कितने में? दो प्रोडक्ट है तो कितने में बेचेगा? 80 रुपए में। इसका मतलब 1 रुपए की उसको हो रही है हानि हो रही है। क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे बोला है उसने कि उसे 3 रुपए की हानि होती है। कितने की हो रही है? 3 रुपए की, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 1 रुपए की हानि हो रही है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और उसने हमसे बोला है कि टोटल कितना प्राइस होगा, तो 180 को आप कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आपके होगा सामने। तो उतारना है तो उतार लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मिटाल के नेक्स्ट टाइप की ओर हम चलते हैं। देखिए एक बार कोस्ट गार्ड के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया। कोस्ट गार्ड ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए हमसे क्या बोला है कि 10 सेबों का मूल्य 11 सेबों के मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि। देखो 10 वस्तुओं का सीपी बराबर है 11 वस्तुओं के एसपी के बराबर। सीपी अपॉन में एसपी का रेशो यदि मैं निकालना चाहूं, ये इधर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 11/10। इसका मतलब 1 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पर होता है? लाभ हमेशा सीपी पर होता है इंटू में 100। कितना हो जाएगा? 9/1/11। कितना हो जाएगा? 9/1/11 प्रतिशत का। यहां पर क्या हो जाएगी आपको? 11 रुपए में खरीद रहा है, 10 में बेच रहा है, हानि हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, 10 सेबों को, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपको, 10 सेबों को बेचने पर एक सेब के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ क्या होगा? भाई एक सेब बच रहा है कितने पर? बच रहा है 10 पर, यही तो हमारा लाभ है। कितना हो गया? 10 प्रतिशत का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं हमसे, एक व्यक्ति अपना लाभ एसपी पर काउंट करता है, 20% लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ क्या होगा? भाई इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर देना है। अभी तक मैंने आपको करने के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, तो इस क्वेश्चन को खुद से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या बोला है कि एक वस्तु को 3400 रुपए की बजाय 3500 रुपए में बेचा जाए तो 5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? भाई 3400 की बजाय 3500 में बेच रहे हो आप, कितने रुपए का? उसमें बोल रहा है कि 5% का, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 100 रुपए का। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। देन हमें कितने की चाहिए? 100 की वैल्यू। 100% कितने के बराबर होगा? 2000 रुपए के। कितने के हो जाएगा? 2000 रुपए के। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आज की जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और हमारा 13 क्वेश्चन है वो क्या बोलता है देखिए, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो गेंद का मूल्य क्या होगा? देखिए 17 गेंदों को बेच रहा है, 720 रुपए का लाभ हो रहा है, कितनी गेंदों के बराबर? 5 गेंदों के बराबर। यही तो हमसे पूछा उसने, तो हमने निकाल देनी x की वैल्यू, और x की वैल्यू आएगी वही हमारी गेंदों की संख्या होगी। कितनी आ जाएगी? 12x = 720। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 60 आ जाएगी। इसका मतलब 60 रुपए की एक गेंद है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किए 13 क्वेश्चन, और आई होप, उम्मीद करता हूँ कि पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।